स्कूल की कैंटीन हो या फिर कोई चाय का खोखा, आलू पैटी एक ऐसी चीज है जो कि आपको हर जगह मिल जाएगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है फैक्ट्रियों में बनाते कैसे हैं? तो आज मैं आपको आलू और पनीर पैटी की एक ऐसी फैक्ट्री में लेके जा रही हूँ जहाँ पे बल्क क्वांटिटी में बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे यूनिवर्स की यूनिक मेकिंग और क्या इसका टेस्ट। तो यहाँ पे देखोगे आलू पैटी में सबसे पहले आलू की कटिंग करी जा रही है, बहुत छोटे छोटे पीसेस में इसको कटा जा रहा है। यार आलू पैटी एक ऐसी चीज है ना जो कि बचपन से लेके अभी तक सभी की फेवरेट है, तो हम सभी ने खाई है, कहीं ना कहीं हम सभी को पसंद आती है। तो यहाँ पे आलू की सब्जी में टेस्ट लेनी है और उसमें डाल दिए मटर और यहाँ पर जीरा डाल के और ऊपर से डाला जाना है मसाला हल्दी सारे बहुत अच्छी तरीके डालने के बाद यहाँ पे जो कि सब्जी है ना वो प्रिपेयर करी जा रही है। तो यहाँ पे आलू पैटी बन रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो पनीर की कटिंग हो रही है। यहाँ पे आलू वाली पैटी के साथ आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ पनीर वाली पैटी, जो कि मुझे लगता है सबकी फेवरेट होगी, क्योंकि आलू पैटी की तो बात अलग है, पनीर पैटी का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। प्याज की कटिंग इसलिए करी जा रही है कि जिसमें अनियन भी मिलाया जाता है, ये डाल के कढ़ाई में दे और ये देखो भर भर के यहाँ पे इसमें अनियन डाल के इसको बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करा जा रहा है और ये डाल दी हमें मटर और इसको बहुत अच्छी तरीके से मिलाया जा रहा है और ये डाल दी मसाले मसाले मज़ेदार तरीके से जो मसाले होते हैं ना वो सारे के सारे मिला दिए रेडी होगी। बेशक लेकिन ये जो पैटर्न में जाएगी ना भर भर के क्वांटिटी डाली जाती है भाई, देखने में तो बहुत ज़्यादा लाजवाब लग रही है सब्जी। ये देखो भाई भर भर के यहाँ पे हुए और ये डाला जा रहा मैदा जिसमें ऊपर से डाल दिया नमक देगी मिर्च और ये मक्खन की टिक्की, इसको मशीन में डालेंगे और ऊपर से डालेंगे इसमें ऑयल और पानी, ये कर दी यहाँ पे मशीन बंद और ये बहुत ही अच्छी तरीके से भुक जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखो भाई यहाँ पे हमारा जो मैदा था उसने तैयार किया, रंग देखिए ऐसे ही बेला जाएगा और ये जो आपको बीच में इसमें दिख रहा है ये होता है मक्खन, ये लगाया जाता है इसमें मक्खन या डालडा आप इसे कुछ भी बोल सकते हो, अलग अलग तरीके का यूज होता है, ये डाला जा रहा है और इसको बार बार फोल्ड करके बेला जाएगा। बेलने का जो रीज़न है वो रीज़न यही रहता है कि जो आपको लेयरिंग दिखती है ना पैटी में वो इसी से आती है। तो ये देखो भाई बहुत मेहनत का काम है, पूरा घी तोड़ इसमें मेहनत करी जाती है, बार बार इसको बेला जाता है, बेलने के बाद फिर इसमें घी लगा के इसको वापस फोल्ड किया जाता है, तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। तो यहाँ पे जो हमारे पफ है उनकी कटिंग शुरू हो गई है, लंबाई के साथ साथ यहाँ पे इनको चौड़ाई में काटा जा रहा है और ये ऊपर से इसमें करा जा रहा है स्प्रे। तो ये देखो फ्लावर डाल दिया, ऑयल स्प्रे कर दिया और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सब्जी रखी गई है, पूरी की पूरी टेबल में जितने आपको पैटी दिख रही है ना सब में ऐसी सब्जी रखी जाएगी। यार देख के ना मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पे इतनी मज़ेदार वाली पैटी बन रही है। तो ये आलू रखे जा रहे हैं, पनीर की सब्जी रखी जा रही है, दोनों को मिक्स करके रखा जा रहा है और जो टेस्ट आ रहा है ना भाई साहब वो टेस्ट बहुत ही गजब और मज़ेदार आने वाला है इसमें। तो ये रख दिया ऐसे, अब इसको फोल्ड करने की जो तैयारी है वो पूरी की पूरी शुरू कर दी जाएगी। तो ये देखो ऐसे हाथों की मदद से बीच में से फोल्ड कर दिया और इसे दबाया जाएगा, तो ये सारे के सारे एक एक करके फोल्ड करे जाते हैं, दिखने में कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं यार। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आलू पैटी किस किस की फेवरेट है, क्योंकि मुझे तो चाय के साथ और कॉफ़ी के साथ आलू पैटी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखो भाई ट्राइंगल परफेक्ट इसको शेप दे रही है और जो इसमें से पफ निकलते हैं ना वो अब आपको पता चलेगा कि वो कैसे इसमें से इतनी सारी लेयरिंग निकल जाती है। ये बीच में से फोल्ड करके इसको ट्राइंगल शेप में रख दिया गया है, तो ये दो शेप में तैयार करे गए हैं और इनको ट्रे पे लगाया जा रहा है, ये सारे के सारे ट्रे में लगने के बाद अवन में जाएंगे। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको लगाया जा रहा है, ये ऊपर से ऑयल की स्प्रेइंग करी जा रही है थोड़ी सी। ये देखो भाई दिखने में इतने ज्यादा लाजवाब लग रहे हैं, इनका स्वाद और ज्यादा डबल होता है। ये देखो ये सारे के सारे ट्रे में लगा दिए और ये ट्रे में लगाने के बाद अब इनको अवन में रखा जाएगा। ये देखो अवन में ही बन के बिल्कुल रेडी हो गए, इनको बाहर निकाला, क्या फूले फूले गर्मा गर्म पैकिंग, दिखने में बहुत ज्यादा मजेदार है। इसमें डालडा वगैरह का इस्तेमाल नहीं करा जाता ताकि ये बिल्कुल भी हमारे मुंह में चिपके नहीं जैसा मैं सब पहले होता था। ये देखो भाई क्या क्रिस्पी पफ है, ये बनके बिल्कुल रेडी हो गए। मैं यहाँ पे इनको एंजॉय करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, चलते हंसते रहिए हंसाते रहिए और अगर कुछ आना तो मेरे खाते रहिए।